गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम श्रद्धा और आज मैं अपने हेयर कलर करने वाली हूँ। उसके लिए मैं लॉरियल का हेयर कलर यूज़ करूँगी, महोगनी, लॉरियल पेरिस का महोगनी 550। और ये क्रीमी ग्लॉस है, कास्टिंग क्रीमी ग्लॉस कंडीशनिंग कलर, नो अमोनिया। तो अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसे आता है, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी मैं इसे अप्लाई करके। बॉक्स में जो है मुझे लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस मिला है, देन लॉरियल क्रीम ग्लॉस डेवलपर क्रीम और कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। तो ये तीन चीज़ें इसमें मिली है। देन ये इंफॉर्मेशन गाइड भी है जिसमें लिखा है कि आपको ये कलर कैसे अप्लाई करना है, और साथ में दो जो है ग्लव्स मिले हैं। मैंने बाउल लिया है, वैसे तो आइडियली इसी में जो है ये क्रीम मिक्स करना है, बट मेरी हेयर लेंथ शॉर्ट है इसलिए मैं ये एक बाउल में बना रही हूँ, क्योंकि आई थिंक ये मैं दो बार अप्लाई कर सकती हूँ, इतनी क्वांटिटी है इसकी। तो इसमें मैं ये ले लिया मैंने, ये क्रीम और ऐड करूँगी और अभी इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। लेंथ शॉर्ट है इसलिए मुझे इतना हो जाएगा। तब मैंने अपनी हेयर लाइन पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं काफ़ी थोड़ा अंदर से ही लगाऊंगी, तो ये ले लिया है मैंने इसे, ये है, अब इसे अप्लाई करूंगी। कलर अप्लाई कर लिया है मैंने और इसे अभी मैं 30 मिनट्स टाइम दूंगी, देन वॉश करूंगी शैम्पू से, और वो जो उन्होंने कंडीशनर दिया है जो कि मॉस्क्यू जो है उससे जो है स्मूथ सिल्की और शाइनी हो जाते हैं हेयर। तो अभी इसे 30 मिनट्स के बाद मैं वॉश करूंगी और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँगी कैसा लग रहा है। जो है मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए है और हेयर ड्राई कर लिए है, बट मुझे कोई ऐसा विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि मेरे हेयर जो है ऐसे महोगनी कलर के हो गए हैं। तो आई थिंक मैं मेहंदी अप्लाई करती हूँ इसलिए शायद मेरे हेयर पे कलर जल्दी अच्छे से चढ़ता नहीं है, क्योंकि मेहंदी की लेयर है मेरे हेयर पे। आई थिंक आप अगर मेहंदी अप्लाई नहीं करते हो या आपने काफ़ी पहले मेहंदी अप्लाई की है तो आपके हेयर पे काफ़ी अच्छा सा कलर चढ़ेगा, बट मुझे ऐसा कुछ विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है। और अभी सनलाइट नहीं है तो उतना पता भी नहीं चल रहा है, बट सनलाइट में जाओ तो थोड़ा सा ऐसा रेडिश और महोगनी कलर आ रहा है मेरे हेयर पे, बट मुझे ऐसा लगता है वो मेहंदी और कलर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स ये था।